प्यारे बच्चों नमस्ते, मैं प्राध्यापक प्रवीण नावंदर, भौतिक शास्त्र विभाग, ब्रजलाल बिहारी विज्ञान महाविद्यालय अमरावती। बेटा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे थोड़ी बातचीत करने आया हूँ। बेटा पिछले कुछ महीनों से हमारा देश एक बड़ी महामारी से, कोरोना इस विषाणु से लड़ रहा है। पूरा देश इस भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है और इसी के चलते हमारी कई महीनों से ऑफलाइन टीचिंग ये बंद हो चुका है और फिर भी हम लोग रुके नहीं है। बिहारी परिवार आपसे जुड़ा है, हम ऑनलाइन टीचिंग से आपसे कई महीनों से जुड़े हैं। महाविद्यालय के कर्तव्य दक्ष प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर दीपक धोटे सर व उप प्राचार्य राठी सर, इनके मार्गदर्शन में हम सारे टीचर्स आप लोगों को जूम प्लेटफॉर्म से शिक्षण प्रणाली अपनी चल रही है, हम आपसे जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि आप लोग भी उतनी ही ईमानदारी से सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें भी पढ़ाने का बड़ा मजा आ रहा है। और काफी दिनों से हमारे रेगुलर टाइम टेबल्स चल रहे हैं और हम लोग हर तरह से आपसे जुड़े हैं। तो बेटा ये चार महीनों से जो हम लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब एनालिसिस का समय आ चुका है, हमें एनालिसिस करना है, हमें मतलब आपको। अब आपका एनालिसिस करना है कि आप पिछले चार महीने से पढ़ रहे हो, जो कि बड़ी ईमानदारी से, ये बड़ी प्राउड वाली बात है कि बियानी कॉलेज का हर स्टूडेंट बच्चा ये ऑनलाइन से हर टीचर से जुड़ा है और वो हर वो क्लासेस अपनी तरह से अटेंड कर रहा है और पढ़ रहा है। तो बेटा पढ़ने से तो बात होंगी नहीं, अब एनालिसिस का समय आ चुका है। तो हम लोगों ने जीरो यूनिट टेस्ट का आयोजन किया है, ये आपकी पहली टेस्ट। हम लोग बेटा टेस्ट के लिए भी रुके नहीं है कि ऑफलाइन स्टार्ट होगा फिर हम टेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो टेस्ट भी हम लोगों ने ऑनलाइन लेने का सोचा है। तो बच्चों 27 तारीख से, 27 जुलाई से हमारी ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है जो कि जीरो यूनिट टेस्ट इस नाम से है। तो डेफिनेटली आपको उस टेस्ट से गुजरना है। अब बेटा ये एनालिसिस का समय है। अब टेस्ट जब आप ऑनलाइन दोगे तो आपको ये बड़े ईमानदारी से टेस्ट देना है। क्यों? इसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि ये टेस्ट आपका एनालिसिस है कि चार महीने में हमने जो आपको पढ़ाया है और आपने जो पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया, ये एनालिसिस होना जरूरी है। तो ये एनालिसिस बेटा कैसे होगा? ये एनालिसिस बड़े ईमानदारी से आपको 27 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट हो रही है हमारी ऑनलाइन, जो कि गूगल फॉर्म्स पे हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, ये टेस्ट बड़े ही ईमानदारी से आपको देना है। बच्चों मैं बार बार ईमानदारी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें पता है ये सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी होगा, बराबर है। बट आपको ये मिसयूज नहीं करना है, इसलिए नहीं करना बेटा, अगर आप आज टेस्ट ईमानदारी से दोगे तो आपका ईमानदारी से एनालिसिस होगा, आपको रियल मार्क्स मिलेंगे और आपको यह समझ में आएगा कि चार महीने से हम लोग ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं हमें कितना समझ में आया और आज मुझे कितना उसका फल मिला। ये अगर आप आज एनालिसिस करेंगे तो आने वाली भविष्य में जो एग्जाम्स रहेंगी उसमें डेफिनेटली आपका फायदा होगा। अगर मान लो एक आधा बच्चा उसको गलत तरीके से एग्जाम को जाता है तो बेटा आज तो आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन भविष्य में क्या होगा, आप सोचो। बड़ी बड़ी एंट्रेंस आपको देना है, JEE, नीट, ऐसी एग्जाम्स तो सब इसी ऐसी एग्जाम्स को अगर आपको फेस करना है तो आज ही आपको ईमानदारी से टेस्ट देना पड़ेगा। बेटा हम लोग, हमारी सारा बियानी परिवार, सारे टीचर्स बड़े ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आपके सारे रेगुलर ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको असाइनमेंट, नोट्स, हर चीज, हर टीचर अपने तरीके से व्हाट्सएप पे हर चीज, ई कंटेंट भी आपको पहुंचा रहा है। बेटा ये भी तारीफ वाली बात होगी कि बिहारी परिवार का हर बच्चा भी उतनी ही ईमानदारी से पढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है बेटा। आप लोगों का रिस्पॉन्स ही हमारी प्रेरणा है, हमारा मोटिवेशन है। कहा जाता है फिजिक्स में कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम एक्शन कर रहे हैं, आप रिएक्शन दे रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। पिछले चार महीनों से बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं और आप उसको समझ रहे हैं और आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। तो बस बात है एनालिसिस की कि ये एनालिसिस का दौर है। 27, 28 और 29 जुलाई को आपके एग्जाम होना है। बस इस एग्जाम को आप ईमानदारी से जाओ, ईमानदारी से आप अपना डिवाइस मोबाइल लेके बैठो और अच्छे से पेपर को सॉल्व करो, विद इन टाइम पेपर सबमिट करो और ईमानदारी से आप उस एग्जाम को अपीयर हो जाओ।
बच्चों देखना, जब आपका व्यू स्कोर आएगा तो आपको भी एक हैप्पीनेस फील होगा कि मैं 4 महीने से पढ़ रहा हूं, आज मेरा ये स्कोर आया है, ये मेरे मार्क्स है, ये मेरे अपने मार्क्स है। तो इसका जो आनंद आपको आएगा ये बड़ा ही सुकून देगा। तो बस बेटा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग टेस्ट के लिए भी रुके नहीं है, हम लोग हमारे प्राचार्य के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में आप लोगों की ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं। हमें भी मजा आ रहा है काम करने में, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो क्यों ना एक एनालिसिस हो जाए, आप भी अच्छे से उसको बढ़िया रिस्पॉन्स दो, ईमानदारी से टेस्ट दो और अपना एनालिसिस करो, तो ताकि आपको भी आगे पढ़ने में मजा आएगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से हमारा ऑफलाइन टीचिंग स्टार्ट हो, बट जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, अब ये कब खत्म होगा अभी फिलहाल में तो आपको पता नहीं है, तो हमें तो रुकना नहीं है, हम तो ऑनलाइन में चलते रहेंगे क्योंकि आप जो हमारे साथ जुड़े हो। तो बच्चों, ये जंग हमें और आपको लड़ना है, बड़े ईमानदारी से लड़ना है, बस आप यूं ही साथ बनाए रहो और सारी टेस्ट को ईमानदारी से और अच्छे से दो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा और हम लोग वापस से इस एग्जाम के बाद में ऑनलाइन के हमारे लेक्चर्स वापस एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। आप उसको अटेंड करो ईमानदारी से और पढ़ो, और अपनी आए वाली डिफिकल्टीज, जो भी आपको डिफिकल्टी आती है, आप कंसल्टिंग टीचर से बात करो, डेफिनेटली हर टीचर आपको हेल्प करेगा, आपके डाउट को सॉल्व करेगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी हर वो डिफिकल्टी को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाओ 27 तारीख से जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है इसके लिए। और तो अभी यहां पे मैं रुकूंगा और थैंक यू सो मच।